हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज भोलपुर। एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की यूनिट रीअरेंजमेंट में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, और वहां पर मैंने ये डिस्कस किया था कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है वो 1,2-diol डेरिवेटिव जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें होता है, और जब 1,2-diol डेरिवेटिव को एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराया जाता है तो हमको मोनोकीटोन डेरिवेटिव रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। वहां पर मैंने मैकेनिज्म की बात की थी, और मैकेनिज्म में मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे। पहले स्टेप में H+ उस OH पर अटैक करता है, 1,2-diol का कि उस OH पर अटैक करता है जिस पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। यदि सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं उन दोनों कार्बन से जिन पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम उस H+ का अटैक कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन यदि डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हमें H+ का अटैक वहां कराना होता है जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे स्टेप में H2O बाहर निकलता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तीसरे स्टेप में वहां पर हमने बात की थी एनायनोट्रॉपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है, कोई भी ग्रुप जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है वो माइग्रेट करता है। और जो चौथा स्टेप था मैंने वहां बताया था कि चौथे स्टेप में आपका ऑक्सोनियम आयन बनेगा, और उस ऑक्सोनियम आयन में से H+ बाहर निकलने से हमारा कार्बोनिल जनरेट होता है, और उस कार्बोनिल की वजह से हमको प्रोडक्ट के रूप में मोनोकीटोन डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमको विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन ऑब्टेन होता है। तो देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स मैंने यहाँ पर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिखे हैं, जिसमें से पहला है एग्जिस्टिंग 1,2-diol, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो होता है वो ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जो 1,2-diol की फॉर्म में होते हैं या 20-diol की फॉर्म में होते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है मोनोकीटोन। मोनोकीटोन का मतलब वहां पर जो प्रोडक्ट हमको रीअरेंजमेंट के बाद देखने को मिलता है वो कीटोन डेरिवेटिव होता है विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन, इसका मतलब उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। मैंने लिखा है यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में होता है, इसका मतलब H+ की प्रेजेंस में होता है। एग्जाम्पल की मैंने वहां पर बात की थी कि सबसे पहले पिनाकोलोन हमने इसको क्यों बोला था कि ये कंपाउंड हमारा जो पिनाकोल था इस पिनाकोल को ट्रीट किया गया किसके द्वारा, H+ के द्वारा। तो हमको प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था वो प्रोडक्ट हमारा ये ऑब्टेन हुआ था, यहाँ से CH3 इधर माइग्रेट करेगा, ये हमारा है पिनाकोल, और इस पिनाकोल से हमारा बना था पिनाकोल इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसलिए लिखा है एसिडिक मीडियम। यहां पर जो माइग्रेशन हो रहा था वो माइग्रेशन कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो रहा था। पहले स्टेप में यदि हमने मैकेनिज्म की बात की तो इस H+ ने यहां पैक किया, ये OH2 बना, OH2 बाहर निकला, पॉजिटिव यहां आया, यहां से ये ग्रुप माइग्रेट किया था और ये ग्रुप माइग्रेट करके पॉजिटिव यहां आया था, ये ऑक्सोनियम आयन बना, H+ बाहर निकला, हमारा प्रोडक्ट ये ऑब्टेन हुआ था। ये मैकेनिज्म में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, मैकेनिज्म को देखने के लिए इस रीअरेंजमेंट में क्या मैकेनिज्म होती है आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है, यहां से H2O बाहर निकला, कार्बोकैटायन बना, यहां से कोई ग्रुप जो कि एनायनोट्रॉपिक माइग्रेशन करता है, एनायनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आता है H+ और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमने इसको बोला है एनायनोट्रॉपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। कार्बन से ये हमारा माइग्रेशन टर्मिनस था, ये माइग्रेशन ओरिजिन है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप है, तो कार्बन से कार्बन की तरफ माइग्रेशन हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोला है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन माइग्रेशन। एनायनोट्रॉपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वह माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आता है, लेकर के आएगा तो नेगेटिव फॉर्म में आएगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा तो H+ की तरह वो बिहेव करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनायनोट्रॉपिक और
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कंसेंट्रेटेड मैकेनिक नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां से H2O का बाहर निकलना, इससे माइग्रेशन टर्मिनस से H2O का बाहर निकलना और माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेटेड ग्रुप का माइग्रेट होना, यहां से H2O का बाहर निकलना, ये क्या है हमारा माइग्रेशन टर्मिनस, ये क्या है हमारा माइग्रेशन ओरिजिन, ये क्या है हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप। माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड का टूटना और माइग्रेशन टर्मिनस से H2O के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है, एक ही स्टेप में होती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस, वन स्टेप में होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब दोनों स्टेप साथ साथ होंगे, H2O बाहर निकलेगा तो इधर वाला ग्रुप भी माइग्रेट करके इधर आएगा। नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट से मतलब यह है कि मान लीजिए वन टू डाई और ये है आपके पास और दूसरा वन टू डाई और ये है जो मैं लिख रहा हूं, क्रॉसओवर प्रोडक्ट का मतलब है, और इन दोनों की रिएक्शन हमने करा दी एसिडिक के लिए, तो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा जैसे मैं दिखा सकता हूं PH, CPH, PHC और ये रहा कार्बोनिल और ये रहा पीएच। ऐसा नहीं होगा कि इधर का मिथाइल इधर वाले में चला जाए या इधर का फिनाइल इधर वाले में चला जाए, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, चाहे हमने मिक्सचर में ये दोनों ही क्यों ना लिए हो और इन दोनों की H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी हो। इसका अर्थ होगा नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बिकॉज दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म और बाय द इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। इसलिए ऐसा हो रहा है कि इधर वाला फिनाइल इधर नहीं माइग्रेट कर सकता है, इधर वाला फिनाइल इधर माइग्रेट नहीं कर सकता, इवन दोनों कंपाउंड्स हमारे एक ही रिएक्शन मिक्सचर में यहां पर प्रेजेंट हैं, फिर भी हमको प्रोडक्ट के रूप में कोई भी क्रॉसओवर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। खास बात है इसकी कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म में कोई भी क्रॉसओवर प्रोडक्ट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट इससे मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट इससे मिलेगा, ठीक है। अभी हम बात करें अगर हमारा कोई जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये माइग्रेट कर रहा है, यहाँ पर ये माइग्रेट कर रहा है, कौन माइग्रेट करेगा इसके लिए हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो ग्रुप पहले माइग्रेट करता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने प्रैक्टिकली हर रीअरेंजमेंट के लिए डिसाइड किया हुआ है, किस रीअरेंजमेंट के लिए किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है। उसके बेसिस पर हम ये पता लगा देते हैं कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, कौन सा ग्रुप बाद में माइग्रेट करेगा। लेकिन यदि माइग्रेट करने वाला ग्रुप कैसा है, काइरल है, काइरल का मतलब उसमें काइरल कार्बन प्रेजेंट है, तो उस ग्रुप का क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन जैसा है कॉन्फिगरेशन में वैसा ही रहता है, उसका अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। ये भी खास बात है, अगर कोई माइग्रेटिंग ग्रुप है, माइग्रेटिंग ग्रुप काइरल नेचर का है, तो जो उसका विन्यास होता है, जो उसका कॉन्फिग्रेशन होता है रीअरेंजमेंट के बाद, उस काइरल माइग्रेटिंग ग्रुप का कॉन्फिग्रेशन वही रहता है, उसका अरेंजमेंट या उसका कॉन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता। लास्ट और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ देखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर जो है, कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, कौन सा ग्रुप बाद में माइग्रेट करेगा, ये डिपेंड करता है किस पर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर, कि किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कितना है, और ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड होता है। तो हर अरेंजमेंट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है डिफरेंट ग्रुप के लिए वो डिफरेंट होता है। यदि हम बात करें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, तो उसके लिए जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है डिफरेंट ग्रुप के लिए, वो सिंपल वे में अगर मैं लिखूं तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है, यदि हमारा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप कहीं जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये ग्रुप एरिल है और ये है हमारा एल्किल। अब मैंने इनको खोल करके देखा है, यदि आपके पास हाइड्रोजन कहीं एज ए ग्रुप वहां पर एज ए सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका होगा। उसके बाद एरिल, एरिल में तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो उस एरिल का मतलब इस एरिल ग्रुप पर, इस फिनाइल ग्रुप पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है, जैसे हम बात करें OH की, जैसे मैं बात करूं NH2 की, जैसे मैं बात करूं NHR की,
जैसे मैं बात करूं NR2B, इस तरीके के कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन ब्लीचिंग ग्रुप उस फिनाइल पर जुड़े हो सकते हैं, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा किससे, सिंपल फिनाइल से। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे COOH ग्रुप जुड़ा है, जैसे CH ग्रुप जुड़ा है, जैसे COOR ग्रुप जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वाला, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला कोई सब्स्टिट्यूटेड कोई फिनाइल है, तो फिर सिंपल वाला, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, रिलीजिंग का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसमें बढ़ा रहा होता है। थ्री डिग्री का मतलब यदि हम एल्किल की बात कर लें तो 3 डिग्री एल्किल का इसके बाद नंबर आएगा, फिर 2 डिग्री एल्किल का, और फिर आएगा 1 डिग्री एल्किल का, लास्ट में जो नंबर आता है वो आता है मिथाइल का, इसका मिथाइल। तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए जो डिफरेंट ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, वो सिंपल वे में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के लिए, यदि वो प्रतिस्थापी के रूप में, उसके बाद यदि कोई फिनाइल और उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है तो उसका होगा, सिंपल फिनाइल ग्रुप है तो उसका होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा हुआ है तो उसका होगा, फिर यदि हम एल्किल की जगह बात करें एल्किल की, तो 3 डिग्री एल्किल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग फिनाइल के बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आता है, इसका मतलब उसके बाद इसका नंबर है, फिर 2 डिग्री एल्किल का, फिर 1 डिग्री एल्किल का, लास्ट में होता है मिथाइल का। ये आप आसानी से नोट कर सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा और कौन सा ग्रुप बाद में माइग्रेट करेगा। लेकिन उससे पहले यदि सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों कार्बन पर जिनसे OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप किसी भी ग्रुप को माइग्रेट करा सकते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर देखने की नीड नहीं है। लेकिन यदि डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं उस का उन दोनों कार्बन से जिन पर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको इस H+ का अटैक वहां पर कराना है जहां पर मोर स्टेबल कार्बन कैटायन बनता है, H+ का अटैक वहां पर कराना है जहां पर मोर स्टेबल कार्बन कैटायन बनता है, और उसके बाद आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर देखना है, तब उस ऑर्डर के बेसिस पर आप प्रोडक्ट को निकाल पाते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये रीअरेंजमेंट होता क्यों, इस रीअरेंजमेंट का होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो यदि हम ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स इस रीअरेंजमेंट के लिए दो है। एक तो है कि यहां पर ऑक्सोनियमाइन बनता है, कब बनता है ऑक्सोनियमाइन, जब यहां से ग्रुप माइग्रेट कर जाता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, जिसे मैंने मैग्नेट वाले वीडियो में यदि आप देखोगे तो मैंने वहां पर बोला था सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बनता है जो कि मोर स्टेबल होता है। इस वजह से हम ऑक्सोनियमाइन के बनने की वजह से ये रीअरेंजमेंट होता है जो कि ज्यादा स्टेबल है, चूंकि ऑक्सोनियमाइन बन रहा है तो यहां पर जो कार्बोकैटायन बनता है वो कार्बोकैटायन एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होता है जो कि ज्यादा स्टेबल है। दूसरा है यहां पर COOH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और प्रोडक्ट में कौन सा ग्रुप बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कौन सा ग्रुप जनरेट हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। इस वजह से ये हमारा जो रीअरेंजमेंट होता है, ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, इसको होने की नीड क्या थी, तो इन दो रीजंस की वजह से रीअरेंजमेंट होता है। एक तो हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बनता है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सोनियम आयन बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा है ये OH बॉन्ड या ये OH बॉन्ड का ब्रिकेज होता है, टूटता है और कार्बोनिल ग्रुप बनता है। कार्बोनिल ग्रुप हमारा एनर्जेटिकली मोर स्टेबल है, इससे या सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो थर्मोडायनेमिकली कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हमारा मोर स्टेबल कार्बोनिल ग्रुप जनरेट होने की वजह से जो कि हमारे प्रोडक्ट में जनरेट हो रहा है, ये रीअरेंजमेंट होता है, ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस रीअरेंजमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स की, और मैकेनिज्म किस तरीके से होती है वो आप देखने के लिए हम मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने बात किया इस पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पर मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है, एनआइट्रॉपिक होता है, कंसेंट्रेटेड मैकेनिज्म से होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये।
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर क्या होता है, एच का, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फिनाइल, फिर सिंपल फिनाइल, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिर 3 डिग्री एल्केन, फिर 2 डिग्री एल्केन, फिर 1 डिग्री एल्केन और लास्ट में आता है मिथाइल। यहाँ पर मैंने बात की कि ये ड्राइविंग, इस रीअरेंजमेंट को होने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो मैंने बता दिया यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमको प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिल ग्रुप जनरेट होकर के मिलता है जो कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के। तब तक आप ये ध्यान रखें कि मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बताया था कि जो भी 1,2-di और डेरिवेटिव होता है, H+ जिस कार्बन पर अटैक करता है उस कार्बन पर तो ग्रुप माइग्रेट होकर के आता है और दूसरे कार्बन पर कार्बोनिल जनरेट होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप आसानी से पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।